सुनील साजन आपने सुन लिया, अब शरद कोहली भी कह रहे हैं भाई बजट में अगर कुछ क्रिटिसाइज करने लायक नहीं है तो मत करिए। ऐसा लग रहा है लोग तो बड़े खुश हैं। देखिए मानक जी, मैं बहुत देर से मैंने तीनों शायरों को और तीनों अर्थशास्त्रियों को अच्छे से सुना है। मेरे सामने दिक्कत क्या है कि सुनील साजन शायरी में भी मैं बहुत कमजोर हूं, कभी कभी कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो तीनों शायर ठीक है, तीनों अर्थशास्त्री, वेरी गुड। जी 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 मैं केवल ये कहता हूं कि मानक जी, मैंने कई बार इस बात को कहा कि हम लोग कभी कभी कांग्रेस की कुछ बातों से, कुछ नीतियों से सहमत रहते हैं, उनके मुद्दे हमारे मुद्दे कॉमन रहते हैं। तो जो कल राहुल गांधी जी ने बात कही उस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, और सहमत होने का कारण बता दें, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्ट पार्टी है, बहुत होशियार पार्टी है, और वो जो कहे समझ लो कि उसका उल्टा है। अगर वो कह रही कि ये अमृत काल है तो अमृत काल का मतलब ये मित्र काल है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन दिया नहीं, उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी के पास पूरी लिस्ट होगी कि क्या क्या, और संजीव जी के पास भी लिस्ट होगी कि क्या क्या बिक चुका है। एयरपोर्ट बिक चुके हैं, पोर्ट बिक चुके हैं, रेलवे बिक चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक रही हैं, तो और आप कितना बेचना चाहते हैं, किसके लिए आप बनाना चाहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही कल मानक जी कि बीजेपी का संकल्प पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश का संकल्प पूरा करने वाला बजट है। अब बीजेपी का संकल्प क्या है कि कौन उनका मित्र, कितना बड़ा आदमी हो जाएगा, दुनिया में नंबर एक हो जाएगा, उनका घाटा हो रहा तो कैसे उनका फायदा होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती कि उनका संकल्प क्या है। हम केवल विपक्ष के नाते ये बता सकते हैं कि देश का संकल्प वही हो सकता है जिसके लिए किसान की जगह हो, बेरोजगार की बात हुई हो। जैसे अभी कोहली जी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हेल्थ में कम हुआ है काम। अच्छा मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जिस देश में हेल्थ और एजुकेशन दोनों प्राइवेट सेक्टर में चली जाए तो उस देश की सरकार होने का कोई मतलब है क्या? कोई हमें अर्थशास्त्री समझा दे। और संजीव जी बहुत आंकड़े गिना रही थी, उन्होंने ये कहा कि हम बहुत बुद्धिमान भी हैं, हम तो मानते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बुद्धिमान मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक, और हम लोगों ने कभी डिग्री भी नहीं पूछी आप लोगों की, लेकिन यह है कि हम मान लेते हैं कि आप बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर बुद्धिमान है तो आप बताइए ना, आपने कहा कि गैस हमने पहुंचा दिए, लेकिन गैस के दाम कितने बढ़ा दिए। कोरोना काल की बात आपने कही, अरे आप पहली सरकार नहीं है जिसने फ्री में इंजेक्शन दिया है। अरे कांग्रेस ने कितने टीके फ्री में लगवाए हैं। डीजल के दाम पे आप बात नहीं कर रहे हैं। किसान की आय 2 गुनी होने की बात भारतीय जनता पार्टी ने मानक जी कहा था कि 2022 में हो जाएगी, हो गई क्या? पुरानी पेंशन पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके लिए तारीफ करिए, हम तारीफ कर रहे हैं। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही, प्रधानमंत्री जी की हम तारीफ कर रहे हैं कि हमारा देश 5वें नंबर पे है, हम तो चाहते हैं नंबर 1 पे हो जाए, लेकिन हमारा रुपया डॉलर के सामने गिर रहा है, उसके लिए क्या प्रधानमंत्री जी शर्मिंदा नहीं होंगे क्या? जो वादे किए थे वादे नहीं पूरे हो रहे, उसके लिए शर्मिंदा नहीं होंगे क्या? और एक बात मैं लास्ट में कहूंगा मानक जी, ये लोग हमेशा कहते हैं कि विकसित भारत का सपना ग्रामीणों को नई पंख उड़ान के लिए मिलेगी, और ये आज से नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी बजट पेश किया है, पहले बजट से लेकर आखिरी बजट तक पंख लगा रहे हैं ग्रामीणों को, लेकिन ग्रामीण उड़ नहीं पाया मानक जी, ग्रामीण का कुछ हो नहीं पाया, किसान उसी खराब दशा में है।